हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बेल की शरबत कैसे बनाई जाती है। टेस्ट के साथ साथ ये हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद है। बेल की शरबत गर्मियों में हमें जरूर पीना चाहिए। यह हमें लू से बचाता है और हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाता है। बेल की शरबत हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और ये डायबिटीज में भी फायदेमंद है। बेल का शरबत प्राकृतिक ठंडा पेय है। बेल का शरबत बनाने के लिए हमें बेल चाहिए। बेल का शरबत बनाने के लिए हम सबसे पहले इसे तोड़कर इसका पल्प बाहर निकाल लेंगे। ये पल्प हमने निकाल लिया है। इसमें हम आधा लीटर करीब ठंडा पानी डालकर इसे मैश कर लेंगे। पल्प अगर टाइट है तो हम इसे पानी के अंदर डालकर आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे तो थोड़ा सा मुलायम हो जाता है, क्योंकि पानी इसके अंदर तक चला जाता है। और अगर बेल पूरा पका हुआ है तो हम इसे साथ ही तुरंत मैश कर लेंगे। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार चीनी डालेंगे। चीनी को हमने मिक्सी में पीस लिया है। आधा चम्मच काला नमक डालेंगे और एक चौथाई छोटी चम्मच से काली मिर्च पाउडर डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे कुछ देर तक मिलाते रहेंगे ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए। अब हम इसे छान लेंगे। बेल की शरबत थोड़ी गाढ़ी होती है, इसलिए हम इसे चम्मच से मिलाते हुए छानेंगे। बाकी के शरबत भी हम इसी तरह छान लेंगे। ये बचे हुए पल्प को हम अलग कर लिए। देखिए, अब ये हमारे फ्रेश शरबत तैयार हो गए। इसे हम थोड़ा चला लेंगे। ये हमारा बेल का शरबत तैयार हो गया है। हम इसे जग में डालकर फ्रिज में 2-3 दिन तक रख सकते हैं। अब हम इसे गार्निश करेंगे, जिससे हमारी शरबत और भी ज्यादा टेस्टी हो जाए। इसमें हम क्रश किए हुए कच्चे आम डालेंगे। थोड़े से भुने हुए जीरा पाउडर और ड्राई फ्रूट डालेंगे। अब हमारे बेल की शरबत सर्व करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।